व्हाट्सअप बॉय, मैं हूँ सामा फ्रॉम MFR और अभी हम लोग जा रहे हैं एक लेंस बाय करने। अभी हमारा रोज़ा भी और मेरे साथ मेरा दोस्त है, इसका पता नहीं रोज़ा है या नहीं। हमारा भी रोज़ा तो हाँ, वैसे तेरी तो साथ गई थी लेकिन नियत के ऊपर भी बात होती है ना, नियत नहीं पता। चलो तो आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर, थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद। गाड़ी के बिल चेक करो। जहाँ मैं गया कुल्ली की कुल्ली करने के लिए, मुंह में पानी डाला, पानी हंसी था हलक के अंदर, मुझे पता नहीं चला थी गर्मी गर्मी लू चल रही थी बहुत टाइट वाली रोजा में, रोजा में मैंने कि कुल्ली उल्ली कर लेते हैं, मुँह धो लेते हैं। कुल्ली के लिए मुँह में पानी डाला, पानी सीधा हलक के अंदर, वापसी फूक धो गई नहीं, पानी पानी नहीं मिला, मतलब पानी आ गया। फिर मैंने कुल्ली करने के लिए पानी डाला, फिर जाया, फिर मैंने चले रोजा टूट गया, अब तोड़ लो, मैंने रोजा खोल दिया। तो अभी हम लोग निकल गए अपने दुआनी सफर की तरफ, मकसद अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए। ये इम्प्रेस मार्केट है और जो कि अब नहीं रही इम्प्रेस मार्केट, और अभी हम लोग शॉप पर पहुंचेंगे जहां से हमें अपना कैमरे का लेंस बाय करना है। वो लेंस है कैनन 75-300 और एक लेंस ठीक भी करवाना है। तो लेंस मेरे हाथ से गिर के उसके फोकस साइड में हल्का सा क्रैक आ गया था, तो वो लेंस भी मुझे ठीक करवाना है। और वीडियो के एंड में उस लेंस की हम अनबॉक्सिंग करेंगे, तो वो आप मिस नहीं करना। जिसकी हम बात कर रहे थे कि अनबॉक्सिंग करेंगे, वो तो बॉक्स में ही नहीं आया, बॉक्स में ही नहीं आया वो, ये रखा हुआ। ये लेंस है कैनन का 75-300। और ये मत समझना कि कैनन वाले ने हमें स्पॉन्सरशिप दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम लोग पैसों के खरीद रहे हैं, ना कैनन वाले ने दिए ना खुर्रम भाई ने दिए, खुर्रम भाई भी पूरे पैसे ले रहे हैं। तो गाइस हम लोगों ने लेंस बाय कर लिया है और अभी हम लोग वापसी घर की तरफ जा रहे हैं, और लेंस पे उसने एक रुपया भी कम नहीं करा। बार्गेनिंग तो हमने बहुत करी लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, मकसद कुछ हुआ नहीं काम। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। ज़रा ये शेर मुलाहिजा फरमाएं, चाहो तो दिल से बुला देना, चाहो तो दिल से मिटा देना, जब याद आए हमारी, जब याद हमारी आए तो रोना नहीं मुस्कुरा देना। वाह, मतलब नंबर प्लेट की जगह पे शेर लिखा है भाई बाबले ने, और नंबर प्लेट को नंबर को साइड में लिखवा दिया और उसके बराबर में लिखा हुआ है जान संभल कर आना, ब्रेक बेवफा है। क्या के और उसके उल्टे हाथ पर मुर्शीद हम आगे लिए ड्राइवर लोग, मुर्शीद हम ड्राइवर लोग हैं, लड़कियों पर नहीं रोड पर मरते हैं। वाह क्या वाह क्या वाह। और ये ग्रीन लाइन, ये तो पता नहीं कौन सी सदी में स्टार्ट होगी, कराची की ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन स्टेशन, हर प्याली दिल वाली, हर दिल की पसंद दिल पसंद। आमिर भाई का डायलॉग था। ओके गाइस, तो अब हम इस लेंस की करेंगे अनबॉक्सिंग, लेकिन जैसा मेरे दोस्त ने कहा था कि इस लेंस की हमें अनबॉक्सिंग करनी है, लेकिन ये लेंस तो बॉक्स में ही नहीं आया, तो इस लेंस की हम अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे लेकिन इसे अनरैप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यह है कैनन 75-300 लेंस, इसे हम अनरैप करेंगे क्योंकि ये एक शॉपर में पैक है, इसे अनरैप करेंगे। इस लेंस के फीचर्स नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेरा कंटेंट नहीं है, मैं आपको इस लेंस का रिजल्ट दिखा सकता हूं, जो कि मैं भी आपको कुछ लम्हे बाद दिखाऊंगा।
ये इसका फोकस है और ये इसका जूम है। तो अभी इस लेंस को मैं अपने कैनन 60D में लगाऊंगा। अभी जिस कैमरे से वीडियो शूट हो रही है वो बॉडी भी कैनन 60D है और उसमें लेंस 50mm लगा है, कैनन 50mm। इसके बाद मैं इस लेंस को अपने कैमरे की बॉडी में लगाने के बाद उस कैमरे से शूट करूंगा, तो आप डिफरेंस देखना। तो अभी ये वीडियो मैं 75-300 लेंस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जबकि पहली वीडियो 50mm लेंस से रिकॉर्ड की थी, जबकि ये लेंस जूमिंग लेंस है और वो लेंस जूमिंग लेंस नहीं है। ओके गाइस, तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।